सो अगर हम ये देखना चाहें कि एक्सेल ने बैकएंड पे क्या स्टेप्स नोट किए हैं जिसकी मदद से ये सारी एक्टिविटी हो रही है, तो ऐसा देखने के लिए हम VBA के स्क्रिप्ट को ऑन करते हैं। VBA स्क्रिप्ट देखने के लिए आप कीबोर्ड से Alt F11 बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर डबल पर के टैब में आप विजुअल बेसिक के बटन पे क्लिक करते हैं, सो आपके पास आपकी मैक्रो की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। सो चूंकि आपने मैक्रो जो क्रिएट किया था वो सॉर्ट ऑफ पर्सनल वर्कबुक के अंदर था, तो मैं मॉड्यूल में चला जाता हूँ। इसने आपकी बुक जिसका नाम पर्सनल सॉरी बुक टू है, ये आपकी बुक आपको नजर आ रही है। इस बुक टू के अंदर चार शीटें हमने क्रिएट की थी, शीट 1 2 3 4। मैं कीबोर्ड से ऑल टैब बटन प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरी बुक का नाम बुक टू है, शीट 1 2 3 4 है, ऐसा ही यहाँ पर है। और इस बुक में मैंने जो मैक्रोस रिकॉर्ड किए थे वो मैक्रोस यहाँ मेरे मॉड्यूल के अंदर मुझे देखे नजर आ रहे हैं। मॉड्यूल पे मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया, आप देखें मेरा माइक्रो Ctrl Shift M Ctrl Shift N, ये दो मैक्रोस मुझे यहाँ पर, ये वो मैक्रोस हैं जो मैंने 10 वर्कबुक किए थे जो इसी बुक के साथ लिमिटेड है। राइट हो गया, ये बुक होगी तो ये दोनों मैक्रोस वर्क करेंगे, लेकिन ये बुक नहीं होगी तो Ctrl Shift M ये मेरा जो फर्स्ट मैक्रो है, Ctrl Shift N मेरा जो सेकंड मैक्रो है, ये वर्क नहीं करेगा। और ये जो स्क्रिप्ट नजर आ रही है ये एक्चुअली VBA है, विजुअल बेसिक है, और इस VBA के अंदर आप डेफिनेटली ये मैक्रोज हैं और आपको ये सीखना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जिसको 10-15 मिनट के अंदर सिखा दिया जाए, इसके पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, आप डेफिनेटली उसको रिव्यू करें स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ आएगा कि ये कह क्या रहा है और इसमें किस तरह से हमें वर्किंग करनी पड़ती है। और वंस अगर आप ये समझ जाते हैं चीज़ों को, मैक्रोस लिखने की टेक्निक्स अगर आपको आ जाती है, आप उस पर ग्रिप कर लेते हैं, तो आप यकीन जाने कि आप अपने डेली टास्क जो आपको बहुत टाइम लग रहा होता है काम करने में, वो काम आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। खास तौर पे वो लोग जो कि पेमेंट्स क्रिएट करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा क्लिनजिंग करते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो ये तमाम चीज़ें मैक्रोज के अंदर अगर रिकॉर्ड कर दे तो उनका काम बहुत ही एफिशिएंटली और फास्ट हो सकता है। नाउ क्योंकि मैंने अपना माइक्रो जो अभी फॉर्म बनाया था वो फॉर्म मैंने दिस वर्कबुक नहीं किया था, मैंने पर्सनल वर्कबुक किया था, तो आप देखें मेरे पास एक नीचे एरिया अलग से नजर आ रहा है। ये तो मेरी बुक टू है जिसमें मेरी शीटें और उस बुक के अंदर जो मैंने मैक्रो क्रिएट्स किए थे वो मुझे मैक्रोज नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो फॉर्म अब टेम्पलेट जो मैंने अभी बनाया था वो मुझे यहाँ इस मॉड्यूल के अंदर नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? बिकॉज के वो मैंने पर्सनल मैक्रो के जरिए रिकॉर्ड किया था, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे कुछ 3-4 मैक्रोस पहले से रिकॉर्ड हैं तो वो भी मुझे नजर आ रहे हैं, और अभी जो मैंने एक नया माइक्रो बनाया है उसको इसने मॉड्यूल 5 के नाम से एक न्यू वर्कशीट इसने बना दी है, और यहाँ देखें मेरा माइक्रो मुझे नजर आ रहा है। मेरे माइक्रो का नाम पर्सनल टैम्प था, सो ये पर्सनल टैम्प के नाम से मेरा माइक्रो है जिसकी शॉर्टकट Ctrl Shift P है। और मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले सेल A1 पर आकर ABC कंप्यूटर लिखा था, फिर उसके बाद सेल A2 पर आकर मैंने कराची का पाकिस्तान लिखा था, फिर सेल A4 पर जाकर मैंने सीरियल नंबर, देन B4 पे नेम और सो ऑन, जो भी मैंने एक्टिविटी की थी वो सारी एक्टिविटीज देखें उसने यहाँ पर हेडिंग्स की सूरत में लिखी है। फिर उसके बाद मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बॉर्डर्स अप्लाई की थी, ये बॉर्डर्स उसने जो है वो डिफाइन की है, बॉर्डर्स की थिकनेस, वेथ, हाइट, कलर, और फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की, लाइक मैंने उसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था, मैंने उसकी सेंटर अलाइनमेंट की थी, ये तमाम एक्टिविटीज देखे इसने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, और ये कंप्लीट माइक्रो यहाँ मुझे नजर आ रहा है। और यही माइक्रो अब मैं हर वर्कबुक के अंदर इस्तेमाल कर सकूंगा क्योंकि मैंने इसको पर्सनल वर्कबुक के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ से बाहर आते हैं, बाहर आने के लिए ये मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसकी शॉर्टकट है Alt F11, दोबारा प्रेस करें मैं एक्सेल में चला जाऊंगा, या मैं ऑल टैब बटन प्रेस करके भी एक्सेल के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन मेरा बेस्ट मशवरा ये कि ये ऑल टैब वाला ही काम कर रहा होता है, आप इस माइक्रो की विंडो को क्लोज ही कर दें क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने दोबारा एक्सेल की वर्कबुक के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने अपने माइक्रो को रिकॉर्ड किया था, और मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक न्यू वर्कशीट पे माइक्रो को कॉल करके भी देख लिया। और ये भी समझ लें कि मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ रखा था, तो एवरी टाइम जब आप माइक्रो को कॉल क्रिएट करेंगे तो ये सेल नंबर A1 से ही स्टार्ट करेगा। अज्यूम करें कि मैं एक न्यू वर्कशीट पर
सेल नंबर 10 पर खड़े रहकर अपने इसी माइक्रो को कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर रहा हूँ, माइक्रो को यूज़ कर रहा हूँ। देखें ये माइक्रो सेल A1 से ही स्टार्ट हुआ, सेल 10 पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, राइट। तो क्योंकि यूज रिलेटिव रेफरेंस हमने ऑफ रखा था। अब पॉइंट ये कि इस माइक्रो फाइल को जरूरी है कि आप XLSM एक्सटेंशन से सेव करें। सो मैं चला जाता हूँ फाइल के अंदर और सेव एज के अंदर, कंप्यूटर में ब्राउज करके मैं इसे लेट अस यूम करें डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। फाइल का एक्सटेंशन मैं लेता हूँ एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक XLSM और इसको मैं नाम दे देता हूँ पर्सनल टैब, ठीक है। एंड देन सिंपली हम सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये एक्सेल की एक माइक्रो फाइल बन गई है। फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने फाइल को क्लोज किया इसने देखे एक नई विंडो मुझे दे दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस यू मेड टू द पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, इफ क्लिक यस द माइक्रो विल अवेलेबल द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट एक्सेल वर्कबुक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो अगर आपके पास इस तरह की विंडो अपीयर हो तो आपने डेफिनेटली यस करना है, सेव करना है। इसका फायदा ये होगा कि ये माइक्रो आपकी हर न्यू वर्कबुक के लिए अवेलेबल होगा। सो फिलहाल मैंने उसे सेव किया, यस उसने कंसिडर किया और मेरी ये वर्कबुक सेव्ड हो गई, क्लोज हो गई। ये मेरी एक्सेल की माइक्रो फाइल है, इसे मैं कहीं भी चाहे सेव कर सकता हूँ, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर ली और मुझे इस न्यू वर्कबुक के अंदर अपने वही तीन माइक्रोस कॉल करवाने हैं। एक शॉर्टकट बनाया था मैंने कंट्रोल शिफ्ट M, एक कंट्रोल शिफ्ट N, एक कंट्रोल शिफ्ट T। और दूसरा तरीका यह है कि मैं डेवलपर में चला जाऊँ, माइक्रोस में चला जाऊँ और आप देखें कि मैंने जो फर्स्ट माइक्रो और सेकंड माइक्रो बनाया था वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन जब पर्सनल टैम्प जो मैंने बनाया था दिस वर्कबुक वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दिस वर्कबुक के अंदर सेव किया हुआ माइक्रो एक न्यू वर्कबुक में क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देख सॉरी पर्सनल वर्कबुक के अंदर सेव किया हुआ माइक्रो इस न्यू वर्कबुक के अंदर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया था कि अगर आप कोई ऐसा माइक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो आपको हर एक्सेल की वर्कबुक के अंदर मिले वर्क करे, तो आप उस माइक्रो को पर्सनल वर्कबुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज आप उस माइक्रो को दिस वर्कबुक में रिकॉर्ड करेंगे। दिस वर्कबुक में रिकॉर्ड करने का फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा कि वो लिमिटेड हो जाएगा उस वर्कबुक के लिए ही, किसी दूसरी न्यू वर्कबुक में आपको वो नहीं मिलेगा। सो फिलहाल मैंने यहाँ पर पर्सनल टैम्प के नाम से मेरा माइक्रो था उसे सेलेक्ट किया, स्टार्ट पोजीशन सेल A1 है, रन के बटन पे क्लिक करते हैं। जबरदस्त, आप देखें ये माइक्रो मेरा इस शीट के ऊपर अवेलेबल हो गया और मैं इसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ, इसे मैं जल्दी से डाटा फिल कर सकता हूँ। तो यानी अगर मुझे अब इस फॉर्म की कभी भी ज़रूरत है, इस टैम्पलेट की अगर मुझे कभी भी ज़रूरत है, तो मुझे दोबारा से ये टैम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करना है और ये माइक्रो मेरा एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि चूंकि फर्स्ट माइक्रो सेकेंड माइक्रो हमारा यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, तो वो कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसी एक्सेल की पर्सनल फाइल को ओपन करना होगा। यहाँ पर कहता है कि माइक्रो की सिक्योरिटी वार्निंग और माइक्रो हैज बीन डिसेबल, इसके इनेबल कंटेंट करें, ये माइक्रो इनेबल करें एंड देन उसके बाद आप अपने माइक्रो को यूज़ कर सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ दोबारा डेवलपर में माइक्रोज में और मैंने यहाँ से पर्सनल वर्कबुक फर्स्ट माइक्रो सेकंड माइक्रो के नाम से था उसे कॉल किया। ये देखें फर्स्ट माइक्रो मेरा कॉल हो गया और सेकंड माइक्रो मैं ले रहा हूँ उसे भी मैंने कॉल कर दिया। ये दोनों माइक्रो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अगर ये पर्सनल वर्कबुक की फाइल ओपन है तो इस फाइल को, ये पर्सनल जो मैंने टैम्प के नाम की फाइल बनाई थी जिसके अंदर एक्चुअल मैंने ये दोनों माइक्रो रिकॉर्ड किए थे, अगर ये फाइल खुली भी है तो ये दोनों माइक्रोस किसी दूसरी न्यू वर्कबुक के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखो जैसे ही मैं इस न्यू वर्कबुक के अंदर आ रहा हूं जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था माइक्रो, और इसकी शीट टू पर हूं, माइक्रोस में जा रहा हूं, आप देखें ये फर्स्ट माइक्रो सेकंड माइक्रो आ गया, पहले नहीं आ रहा था, आपने नोटिस किया था। सो अगर मैं फर्स्ट माइक्रो कॉल करना चाहूं मैंने कॉल कर दिया, सेकंड माइक्रो को कॉल करना चाहूं सेकंड माइक्रो कॉल कर दिया।
यानी अगर दिस वर्कबुक के अंदर आपने कोई मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया, चलो गलती से ही कर दिया, अगर कर दिया तो कोई बिग डील नहीं है, आपको उस मैक्रो को अगर न्यू वर्कबुक के अंदर अप्लाई करना है तो उसके लिए फिर आपको एक छोटा सा मेथड करना होगा, वो ये कि उस फाइल को बैकएंड पे खुला रखें। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, मैं सारी फाइल सेव कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। अब मैं एक न्यू वर्कबुक खोल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मेरे पास माइक्रो 1 और 2 नजर नहीं आ रहा, लेकिन पर्सनल टाइम तो दिख रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड नजर नहीं आ रहा, पर्सनल नजर आ रहा है क्योंकि ये हर न्यू वर्कबुक के लिए हमने बनाया था। अब मुझे अगर वो अपना माइक्रो चाहिए, फर्स्ट माइक्रो सेकंड माइक्रो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस ओरिजिनल फाइल को खोलना पड़ेगा जिसके अंदर ये दोनों माइक्रो थे। मैंने उस फाइल को खोल दिया जिसके अंदर ये दोनों माइक्रो हैं, पर्सनल टाइम, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, बुक 1 के अंदर आ रहे हैं, शीट 2 पर माइक्रोज में ये देखें फर्स्ट माइक्रो और सेकंड माइक्रो दिख गया। सो मैंने फर्स्ट माइक्रो पे क्लिक किया, रन हो गया, सेकंड माइक्रो पे क्लिक किया, रन कर दिया। यानी ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट नहीं हुआ है, बस फिर ये कि थोड़ी सी आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको उस बुक को खोल कर कहीं और यूज़ करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है।